हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। देखिए, शाम का टाइम है और शाम के 4:30 बज चुके हैं। इवनिंग के जितने भी काम हैं वो शुरू हो चुके हैं। हेलो बोलो भाई। और ये ठीक है, अभी ठीक है, आप सबने देख लिया। गुड्डू हेलो बोलो। हेलो। आज गुड्डू की कोई क्लास नहीं थी, छुट्टी थी आज क्लास की। तो शाम के काम हमारे शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं पशुओं को पानी पिलाऊंगी और वहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी चाय। तो चलिए अपने काम पर लग जाते हैं देरी ना करते हुए। चलिए पानी पिलाते हैं अपने पशुओं को। और बराबर साइड से जो है भैंस की बहुत तेज आवाज़ आ रही है, भैंस बोलने की। और देखिए, ताज़ा पानी भर लिया था मैंने, क्योंकि गर्म हो जाता है सुबह का पानी भरा हुआ। अभी आज इस टाइम ही भरा था, तो मैंने पिताजी को बोल दिया था, पिताजी आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, नहीं तो ये बाल्टी को गिरा देंगे एक दूसरे की तरफ को खिसका कर। और ये छोटू तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करता है, कोई भी इसके पास से गुजरे या तो सिर हिलाएगा या फिर कपड़े चबाएगा। तो इन दोनों ने पानी पी लिया है, अब इन दोनों की बारी है। और इनमें भी ऐसे ही लगी रहती है चिड़िया चुनटी। इनका क्या होता है कि एक बाल्टी रख दी मैंने जैसे पानी की, तो ये दूसरी बाल्टी लाने का वेट नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। अपनी तरफ को वो खींचेगा, कभी अपनी साइड में वो खींचेगा। ये देखिए, उसका मुंह उसने निकाल दिया है। ऐसे ही पूरा दिन इनका चलता रहता है, और एक दूसरे के बिना रहती भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर एक दूसरे को ये दिखे ना, तो बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगती है और बोलने लगती है बहुत तेज तेज। और इसीलिए मैं दूसरी बाल्टी में पानी ले आई थी गोरी के सामने रखने के लिए, लेकिन पीना तो उसे भी उसमें ही है, आपने देखा होगा, इसमें इसने मुँह भी नहीं दिया। तो छोटी बाल्टी से मैं इनके सामने पानी डाल रही हूँ और इसका पानी मैंने इसमें डाल दिया था। तो इन दोनों का भी हो गया है, अब ये दोनों पी रही है। और ये शांत स्वभाव की है, इन्हें कितना भी लेट हो जाए ये बेचारी कुछ नहीं कहती हैं। तो इन दोनों ने भी एक ही बाल्टी में पानी पी लिया है, और मैं छोटी बाल्टी से इसीलिए फटाफट ठंडा ठंडा ताज़ा पानी लेकर आ रही हूँ। और इधर देखिए, झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी फिर मैंने, और प्रीति भी आ गई थी नंदिनी को लेकर बाहर, क्योंकि पूरे आंगन में जो है इस टाइम छाँ आ जाती है। थोड़ा सा नंदिनी को आंगन में लेकर बैठ जाते हैं पिताजी या माँ, माँ की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसलिए पिताजी को उसने नंदिनी को दे दिया है। और अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में चाय बनाऊंगी। और बस प्रीति ने जो है कपड़े तार पे से उतार दिए थे, उनकी वो तय बनाएगी। और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, और दोपहर के बाद में बच्चे जब खाना खाते हैं, कुछ भी काम करते रहते हैं, तो काम तो वो फैला ही देते हैं। और ये भी मेरे पास में ही आ गया है, बोला है मम्मी आप चाय कब बनाओगी, क्योंकि उसे चाचा जी ने बोल दिया था कि अपनी मम्मी को बोल दो चाय बना लेगी। तो देखे, फिर मैं किचन में आ गई थी हाथों को क्लीन करने के बाद में। यहाँ पर मैंने चाय जो है रख दी है, इसमें डाल दी मैंने चाय की पत्ती, अभी चीनी डाल देंगे। और ये चाय देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पैन पूरा भरा हुआ है, लेकिन एक एक कप ही सबके बटेज में आएगी पूरी फैमिली के। मैंने चाय रखी है इधर, इधर प्रीति झाड़ू लगाने लगी, उधर की हमारी क्लीनिंग हो चुकी है। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, पत्ते पत्ते इस पेड़ के जो हैं बहुत ज़्यादा पत्ते टूट रहे हैं इस टाइम। देखिए, शाम की झाड़ू, मतलब पूरे घर में हमारे यहाँ पर दोनों टाइम झाड़ू लगती है, सुबह में भी और शाम में भी। तो चलिए अभी हम फटाफट से बना लेते हैं चाय। चाय में खदका लग चुका था, अभी मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और मैंने फ्रिज में से दूध छोटे बर्तन में यानी कि इसमें बड़े कटोरे में ले लिया था, और मैं देख रही थी ये उफान आएगा, इसमें उबाल आएगा तो ये निकलेगी तो नहीं। तो फिर मैंने ये वाली कड़छी उठाकर इससे ही इसको चला दिया है, ताकि इसमें अच्छा से खदका लग जाए और चाय की पत्ती का भी टेस्ट आ जाए, चाय की पत्ती, इलायची पाउडर, जो भी कुछ मैंने इसमें डाला है। तो फिर चाय बनने के बाद में अब मैंने सबके लिए कटोरियों में, टिफ़िन में और गिलासी में करना शुरू कर दिया है। और बाद में देकर आऊँगी गुड्डू के पापा को, सबसे पहले पिताजी को और चाचा जी को देकर आऊँगी। दीदी ले लेगी नंदिनी को, नीलाक्षी दीदी। और प्रीति अभी झाड़ू पूरी कर रही है, क्योंकि उसने पहले करी थी कपड़ों की तय। और यहाँ पर मैंने दो तीन लड्डू रख लिए हैं, लड्डू रखे थे हमारे पास में बूंदी के लड्डू, और मैं उन्हें दे रही हूँ पिताजी को और चाचा जी को। और चाचा जी जो है टिफिन में ही चाय पीते हैं, क्योंकि जल्दी ठंडी करने की वजह से, और पिताजी पीते हैं कि लस्सी में चाय। और अभी मैं दूध निकालने के लिए आ गई थी, ये देखिए बच्चे को मैंने छोड़ दिया है, अभी हम निकाल लेते हैं दूध। और फिर मुझे यहाँ से उठाना है गोबर, गोबर भी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब हम छत पे गोबर चढ़ाने लगे हैं। तो चलिए पहले दूध निकाल लेते हैं।
और देखिए अब मैंने जग में निकालना शुरू कर दिया है। छोटा बर्तन है जग, एक हाथ से जब मैं निकालती हूँ तो बाल्टी को एक साइड में रख देती हूँ और बाद में लास्ट का जितना भी दूध होता है वो मैं जग से ही निकालती हूँ, जग से फिर बाल्टी में डालती रहती हूँ। तो चलिए बस दूध निकल चुका है, अभी हम अपनी बच्चियों को छोड़ देंगे और ये दूध डाल देंगे बाल्टी में। बाल्टी को रखेंगे उसी जगह पर जहाँ पर इसका स्टैंड हमने बना रखा है काफ़ी टाइम से, और पिताजी जो है यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और अभी गोबर भी मैंने भरकर रख लिया था तसले में, इन्हें बोला है उठवा दीजिए। तो अभी लेकर चलते हैं सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर की छत पर डालेंगे। अभी हम लोग जो हैं ऊपले वहीं पर पातने शुरू कर दिए हैं हम लोगों ने पन्नी पल्ली डालकर ताकि लेंटर ख़राब ना हो। तो चलिए चलते हैं छत पर। और ये दो तसले होंगे, छोटा तसला मैंने ले लिया है, दो तसलों में चढ़ा दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि दो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, थकान तो हो ही जाती है। तो देखिए सूरज भी छिप चुका है और अभी यहाँ पर डाल देते हैं। ये कौन आ रहा है भाई, आप कौन हो? आरुष, किसकी साथ आए हो? आपने मुझे देख लिया था नीचे से है भाई। और ये देखिए पतंग दिख गई से, और ये देखिए मुझे देखते ही माँ को लेकर आ गया, माँ ले रही है डंडा डंडे के सारे से आ रही माँ। हाँ गोट सा हो रहा ना, और यहाँ तो फिर भी ठंडक सी है। क्या खेल रहे हैं आप? और ये चप्पल तो उल्टी पहन रखी है, क्या कर रहे हैं आप? खेल रहे हो किस चीज से? क्या है ये? ये कुछ नहीं है, ये तो ये थक गए। नहीं बेटा छोड़ दो, नीचे नीचे गिरा दो ट्रैक्टर, उससे पे गिर दिया। क्या डाल है? क्या ये गिरे? क्या गिरे? क्या गिरते हो? गिर दिए, ठीक करा आपने, गिर दिए तो। हाँ गेर दो, देख माँ ने सुखाए वे। देखिए मैंने जो मुर्चा पे डाला है, कि मैं देखो इस पे मेरा ये डिपर में क्या करें? मैंने इसको सजा दिया। सजा दिया? उपले को भी कोई सजाता है? ये देखिए ये पहला बंदा है जो उपले को सजा रहा है, कहीं से सजाया आपने से? कागज से। कागज से? और आपने क्या डाला था इसके ऊपर? अच्छा जी, सारे कुछ सजा दिया, और को भी सारे कुछ सजा दिया, सारे कुछ सजा दिया। बना रही
और देखिए माँ ने ये थोड़ा सा गोबर यहाँ पर पड़ा हुआ था कल का, तो इसके उपले बनाने शुरू कर दिए हैं। तो बस यही था आज का हमारा छोटा सा रूटीन जो मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दिया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक मिनट।